हे hey, विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 17। इसमें हम सीख रहे हैं फिगर कंप्लीशन या फिर आकृति पूर्ति। इसमें पहला वाला पार्ट आपने देखा होगा, इसके पहले वाला पार्ट, तो आपको समझ में बात आई होगी कि इसमें करना क्या है। ये पैटर्न हमें कंप्लीट करना है, तो रूल्स तो आपको पता ही है ना कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता है, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और उसी 5 सेकंड में आपको अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। इसके आंसर तुरंत अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ हमें। देखो, यहां से अगर आप इसे कंप्लीट कर दोगे ऐसे, तो ये फिगर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो बी और सी ऑप्शन में से कोई हो सकता है। बी और सी ऑप्शन में ध्यान दो, बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, आप अपने आंसर्स कमेंट करके बताओ। ध्यान दो, इसमें जो है ये फिगर जो है ये तीर इधर की तरफ है, तो इसमें इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ तीर है तो इसमें इधर की तरफ तीर होगा। तो इसको जब कंप्लीट करोगे तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी आपके सामने, इस तरह की, तीर इधर की तरफ होगा। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? डी ऑप्शन। यस, डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। दो क्वेश्चन हमने कर लिए, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, तुरंत इसके आंसर्स कमेंट करके बताओ। देखो, यहां से कंप्लीट कर लोगे अगर ऐसे, तो ये एक सर्कल बन जाएगा और यहां से इसको कंप्लीट करोगे तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? अब ध्यान दो, यहां से बी ऑप्शन ही, बी ऑप्शन ही बिल्कुल हूबहू इससे मैच कर रहा है जो अभी हमने ड्रॉ किया। तो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। चलो, चौथा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के सामने आपके। सबसे पहले तो आप यहां पे एक ड्रॉ करो, एक लाइन यहां पे खींचो ताकि ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद एक और लाइन यहां से खींचोगे। देखो, हमें बस पैटर्न कंप्लीट करना है ना, और उसके बाद एक ऐसा वाला ये रेक्टेंगल। तो देखो, ऐसी जो आकृति है वो किस में नजर आ रही है हमें? सीधे सीधे डी ऑप्शन में ऐसी आकृति हमें देखने को मिल रही है। तो डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। चलो, 4 क्वेश्चन कर लिए हमने, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, 5वां प्रश्न। ये देखने में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत कठिन है नहीं, क्योंकि इसमें एक पहले सर्कल कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें ये स्टार वाला ये पार्ट कंप्लीट करना है ना। तो ध्यान दो, ए गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी और डी बचा। सी डी में यहां देखो, एक सर्कल यहां पे नहीं है जबकि होना चाहिए था, है ना। तो डी ऑप्शन ही सही हमारा, एक सर्कल मिल रहा है, फिर ये एक त्रिकोणी जो आकृति है वो हमें मिल रही है, उसके बाद ये एक रेक्टेंगल, सॉरी ये एक वर्ग भी हमें मिल रहा है जो कि यहां पे होना चाहिए। तो डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। चलो, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, तुरंत आपने आंसर्स कमेंट करके बताओ आप। सबसे पहले तो हम यहां से एक कंप्लीट करेंगे, एक वर्ग, उसके बाद यहां से एक ये सर्कल पूरा कंप्लीट करेंगे, एक और लाइन यहां से खींचेंगे। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। चलो भाई, 7वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के सामने, अपने आंसर्स कमेंट करके बताओ। देखो, ध्यान दो, इसे हमें कंप्लीट करना है, तो ऐसा ऐसा और ऐसा, ऐसे, और यहां पे एक ये वाली आकृति, ये वाली आकृति तो बी में तो है नहीं, सी में, डी में भी नहीं है। ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। 8वां क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन ये देखो स्क्रीन के सामने, अपने आंसर्स कमेंट करके बताओ आप हमें। इसमें भी हमें वही काम करना है, इसको कंप्लीट करोगे जब आप, तो ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, और यहां पे ये कली, तो ये कली इस कोने से निकलनी है, तो ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे इस कोने से यहां भी आ रहा है, लेकिन यहां गलती आप देख सकते हो सीधे सीधे, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 9वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, अपने आंसर्स कमेंट करके बताओ। तो ये देखो बच्चों, यहां से क्या करेंगे हम, ये पैटर्न पहले ध्यान दो, ये जो पैटर्न है, ये जो आकृति है ना, वही नीचे हूबहू है, लेकिन उसका मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब है, उसी का उल्टा है नीचे। तो यहां भी इसी का उल्टा नीचे होगा, तो ये कुछ ऐसे होगा और ऐसे ऐसे होगा कुछ,
मतलब कुछ इसी तरह से होगा, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, कुछ ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले ध्यान दो कि किसमें नीचे से है, ए में है, बी में है और डी में है। सी का डायरेक्शन ये अलग है तो सी गलत हो गया। अब ध्यान देना, अब ध्यान दो कि यहाँ से ये लाइन आएगी, है ना, यहाँ से शुरुआत होगी, जबकि ए में यहाँ से शुरू है, तो ये गलत है, ये गलत है। तो बचा बी और डी ऑप्शन। डी में ध्यान दो, यहाँ पे जो है ये सटा हुआ नहीं है, ये कोना नीचे सटना चाहिए, है ना, तो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। चलो भाई बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चन पे। आप कमेंट करके हमें बताना कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन, कितने आंसर्स आपके सही हुए। चलो ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। देखो यहां पे कंप्लीट करोगे तो पहले एक लाइन यहां पे आएगी, और वो लाइन बी में नहीं है यहां पे, तो गलत हो गया। सी में भी यहां पे नहीं है तो गलत हो गया। बचा ए और डी। तो ए डी में ध्यान दो, यहां पे एक हमें ऐसा, ये दो लाइनें हमें चाहिए जो कि ए में नहीं है, एक ये वाली लाइन मिसिंग है, तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया, डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हम लगातार इसी तरह के वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलें फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के साथ अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।